वंस अगेन वेलकम टू केकेजेड एशिया रेंजर 2020 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज यहां पर देखेंगे कि जो रेंजर का एग्जाम होने वाला है, वन विभाग में अभी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करें, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, और क्या उसका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, इस चीजों के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो केकेजेड एशिया रेंजर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं एसीएफ रेंजर 2020। तो यहां पर एक्चुअली पे अपने को सबसे पहले समझना ये है कि जो एग्जाम का पैटर्न होता है क्या होता है एसीएफ के लिए। एसीएफ के लिए टू पार्ट में यहां पर एग्जाम होगा, पार्ट फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा पार्ट ये, ठीक है। और पार्ट जो फर्स्ट है, जो पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है, इसको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में यहां पर हम लोग देखेंगे पेपर वन में। तो पेपर वन की जो बात करें, पेपर वन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल नंबर इसका जो है क्वेश्चन हो जाएगा 300 मार्क्स के, ठीक है। और पेपर सेकेंड भी यहां पर, पेपर सेकेंड जो है ये भी 150 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल मिलाकर के 300 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर बात करेंगे पेपर वन और पेपर टू में क्या इसमें बेसिक जो है डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखेंगे जो पेपर फर्स्ट है, एक्चुअली यहाँ पर सीजीपीएससी इस पेपर को जो है ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीजीपीएससी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ जीके जो होता है इस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। और पेपर फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उस चीजों के बारे में नोटिफाई करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का परिचय है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के परिचय के बारे में अपने को देखना है। दूसरा चीज, छत्तीसगढ़ का भूगोल देखना है। थर्ड है छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ के जनजातियां के बारे में अपने को यहां पर देखना है, ठीक है, पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकेंड की बात करते हैं, तो पेपर सेकेंड में साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले साइंस में हम लोग यहां पर देखेंगे तो जो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बिल्कुल आसानी से आप समझने लगेंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, इसमें आएगा साइंस पे। टेक्नोलॉजी पे यहां पर आ जाएगा सैटेलाइट से रिलेटेड, जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होते हैं, इसरो क्या है, इस सारी चीजों के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में। और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड भी यहां पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पेपर फर्स्ट में और 150 पेपर सेकेंड में है। टोटल मिलाकर के क्या क्वेश्चन हुए, 300 क्वेश्चन हुए, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो 300 × 2 कर देंगे, तो यहां पर 600 मार्क्स के यहां पर बन रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। अब जब 600 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बाद आता है इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज में आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल एड कर देंगे तो 600 यहां पर हो जाएगा, और प्लस 75 कर देंगे तो 675 जो है मार्क्स के यहां पर क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। अब देखिए इतना ही चीज तो आपने समझ में आ गया है। अब देखिए इसका कटअप क्या है, किस तरह से कटअप जाता है, तो कटअप को मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको, देखिए यहां पर जो कटअप है, यदि मैं कैलकुलेट करूं एसीएफ
2016 का एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, 2016 में किस तरह से कटअप गया था, एप्रोक्सीमेशन सेम एज इट इज यहां पर 2020 में, 2020 सीरीज में भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से क्वेश्चन मिले, लेकिन सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, तो यहां पर जो है टोटल यहां पर है 327 मार्क्स, यहां पर यदि 2016 की कैटेगरी पे देखें तो 327 मार्क्स जो है यहां पर एसीएफ रेंजर क्वालिफाई कर लेते हैं। और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 320 मार्क्स यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स था, ठीक है। एसटी की बात करूं तो एसटी में आपके 301 मार्क्स यहां पर थे, नियर अबाउट 300 के नियर अबाउट में क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं। और एससी की बात करूं तो 298 मार्क्स जो है, इस तरह से यहां पर आपके कट ऑफ लिस्ट जो बना हुआ था ये था, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो केकेजेड एसीएफ रेंजर 2020 सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है।